ओम शांति। 21 नवंबर 79, अव्यक्तवाणी। विश्व परिवर्तन के लिए सर्व की एक ही वृत्ति का होना आवश्यक। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के चेतन चित्रों द्वारा व हरे के चेहरे द्वारा विशेष दो बातें चेक कर रहे हैं। हर एक बच्चा सेंस और इसेंस में कहाँ तक संपन्न हुआ है, अर्थात ज्ञान संपन्न और सर्वशक्ति संपन्न कहाँ तक बना है, जिसको रूप बसंत कहा जाता है। रूप बसंत अर्थात सेंस और इसेंस फूल। आज बाप दादा रूहानी ड्रिल करा रहे थे। एक सेकेंड में संगठित रूप में एक ही वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। नंबरवार हर इंडिविजुअल अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण महारथी अपने वाइब्रेशंस द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन विश्व परिवर्तन में संपूर्ण कार्य की समाप्ति में संगठित रूप की एक ही वृत्ति और वाइब्रेशंस चाहिए। थोड़ी सी महान आत्माओं के व तीव्र पुरुषार्थी महारथी बच्चों की वृत्ति व वाइब्रेशंस द्वारा कहीं कहीं सफलता होती भी रहती है, लेकिन अभी अंत में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की एक ही वृत्ति की अंगुली चाहिए, एक ही संकल्प की अंगुली चाहिए, तभी बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। वर्तमान समय विशेष अभ्यास इसी बात का चाहिए। जैसे कोई भी सुगंधित वस्तु सेकेंड में अपनी खुशबू फैला देती है, जैसे गुलाब का इसेंस डालने से सेकेंड में सारे वायुमंडल में गुलाब की खुशबू फैल जाती है। सभी अनुभव करते हैं कि गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सभी का न चाहते भी अटेंशन जाता है कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है। ऐसे ही भिन्न भिन्न शक्तियों का इसेंस शांति का, आनंद का, प्रेम का आप संगठित रूप में सेकेंड में फैलाओ। जिस इसेंस का आकर्षण चारों ओर की आत्माओं को आए और अनुभव करे कि कहाँ से यह शांति का इसेंस वा शांति के वाइब्रेशंस आ रहे हैं। जैसे अशांत को अगर शांति मिल जाए वा प्यासे को पानी मिल जाए तो उनकी आंख खुल जाती है, बेहोशी से होश में आ जाते हैं। ऐसे इस शांति व आनंद की इसेंस के वाइब्रेशन से अंधे की औलाद अंधे की तीसरी आंख खुल जाए, अज्ञान की बेहोशी से इस होश में आ जाए कि यह कौन है, किसके बच्चे हैं, यह कौन सी परम पूज्य आत्माएं हैं। ऐसी रूहानी ड्रिल कर सकते हो। सेंस और इसेंस का बैलेंस। जब द्वापर के रोजोगुणी ऋषि मुनि भी अपने तत्व योग की शक्ति से अपने आसपास शांति के वाइब्रेशंस फैला सकते थे, यह भी आपकी रचना है। आप सब मास्टर रचयिता हो। वह हद के जंगल को शांत करते थे, आप राजयोगी क्या बेहद के जंगल में शांति व शक्ति व आनंद के वाइब्रेशंस नहीं फैला सकते हो। अब इस अभ्यास का दृढ़ संकल्प, निरंतर का संकल्प करो। हर मास में इंटरनेशनल योग का अभ्यास तो शुरू किया है, लेकिन अब यही अभ्यास ज्यादा बढ़ाओ। जैसे बसंत रूप की विहंग मार्ग की सेवा मेरे कॉन्फ्रेंस व योग शिविर करते हो। एक ही समय संगठित रूप में अनेकों को संदेश दे देते हो व अखबारों द्वारा टीवी व रेडियो द्वारा एक ही समय अनेकों को संदेश दे देते हो। ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा
ऐसे विहंग मार्ग की सर्विस करो, इसकी भी नई नई इन्वेंशन निकालो। जब रूप बसंत दोनों की सेवा का बैलेंस हो जाएगा, तभी अंतिम समाप्ति होगी। इसके लिए सर्व संगठित रूप का पुरुषार्थ कौन सा है जानते हो? उसी पुरुषार्थ का वर्णन और चित्र अब तक भक्ति में चल रहा है। कौन सा पुरुषार्थ का चित्र व गायन क्या है? समाप्ति का चित्र क्या दिखाया है? स्थापना के वर्णन का चित्र भी वही है और समाप्ति का भी चित्र वही है। ब्रह्मा ने ब्राह्मणों के साथ क्या किया? यज्ञ रचा, तो स्थापना का चित्र भी यज्ञ रचा और समाप्ति में भी यज्ञ में सर्व ब्राह्मणों के संगठित रूप में स्वाहा के दृढ़ संकल्प की आहुति पड़े तब यज्ञ समाप्त होना है, अर्थात विश्व परिवर्तन का कार्य समाप्त होना है। तो पुरुषार्थ कौन सा रहा? एक ही शब्द का पुरुषार्थ रहा कौन सा? स्वाहा। जब स्वाहा हो जाता है तो हाय हाय के बजाय आहा हो जाती है। परिवर्तन हो गया ना, शब्द कहने में ही मजा आता है। अब अपने से पूछो, सर्व बातों में स्वाहा किया है? स्वाहा करना आता है? जब संगठित रूप में पुराने संस्कार स्वभाव वो पुरानी चलन के तिल व जो स्वाहा करेंगे तब यज्ञ की समाप्ति होगी। तिल और जो यज्ञ में डालते हैं ना, जब यज्ञ की समाप्ति होती है सब इकट्ठे स्वाहा कर देते हैं, तब ही यज्ञ सफल होता है। अगर एक भी आहुति नहीं पड़ी तो अच्छा नहीं मानते हैं। तो पुरुषार्थ क्या हुआ? संगठित रूप में स्वाहा करो। अभी क्या करते हो? अगर कोई कहता भी है खत्म करो स्वाहा करो तो क्या करते हैं? स्वाहा करने की बजाय संवाद चल पड़ता है, डिस्कशन चल पड़ता है। वह संवाद बड़े अच्छे होते हैं। उसका विषय क्यों और कैसे होता है, ऐसे संवाद का डायलॉग बहुत चलते हैं। बाप दादा के पास वतन में रेडियो पर बहुत आते हैं, कभी किसी स्टेशन से कभी किसी स्टेशन से। उस समय के चित्र और एक्शंस कैसे लगते होंगे? जैसे आपकी दुनिया में टीवी पर मिकी माउस का खेल आता है ऐसे। कभी नयन बड़े हो जाते, कभी मुख बड़ा हो जाता, कभी बहुत तीव्र गति से उतरती कला की सीढ़ी टप टप करते उतर आते हैं, कभी माया के तूफान में उड़ जाते हैं, बैलेंस नहीं रख सकते, अभी अभी हंसते अभी अभी रोते हैं। ऐसे बाप दादा भी कई खेल देखते रहते हैं। जैसे सुनने में हंसी आती है तो करते समय स्वयं पर भी हंसी आ जाए तो समाप्त हो जाए। तो सुनाया स्वाहा नहीं करते, सहयोग से स्वाहा। अगर किसी के कुछ पुराने संस्कार रह भी गए हैं, वह स्वयं स्वाहा नहीं कर सकते, तो संगठित रूप में सहयोगी बनो। कैसे? अगर करने वाला कर रहा है या बोल रहा है तो सुनने वाले देखने वाले देखे नहीं सुने नहीं, तो उसका करना भी समाप्त हो जाएगा। कोई गीत गाने वाला गा रहा है, डांस वाला डांस कर रहा है, देखने वाला सुनने वाला कोई न हो तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा सहयोग दो, इसको कहा जाता है स्वाहा। जब ऐसे सहयोगी बनेंगे तभी संगठित रूप में विश्व परिवर्तन कर सकेंगे। सेंस के साथ इसेंस भी चाहिए, लेकिन जब संपर्क में आते हो, कार्य व्यवहार में आते हो, कर्म बंधनी प्रवृत्ति व शुद्ध प्रवृत्ति में आते हो तो सेंस की मात्रा ज्यादा होती है, इसेंस की कम। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स अर्थात समझ, इसेंस अर्थात सर्व शक्ति स्वरूप
स्मृति और समर्थ स्वरूप। सिर्फ सेंस होने के कारण ज्ञान को विवाद में ला देते हो। यह तो होगा ही, यह तो होना ही चाहिए। इससे शक्तियों के आधार पर ज्ञान के विस्तार को प्रैक्टिकल जीवन के सार में ले आते हो, इसीलिए विस्तार व विवाद खत्म हो जाता है। थोड़े समय में स्वाहा कर आहा मैं और आहा मेरा बाबा, इसी में समा जाते हो। तो सेंस और इसेंस दोनों का बैलेंस रखो तो हर सेकेंड स्वाहा होते रहेंगे। संकल्प भी सेवा प्रति स्वाहा, बोल भी विश्व कल्याण प्रति स्वाहा, हर कर्म भी विश्व परिवर्तन प्रति स्वाहा। तो अपनापन अर्थात पुरानापन स्वाहा हो जाएगा, बाकी रह जाएगा पाप और सेवा। तो समझा क्या पुरुषार्थ करना है? अपने देह की स्मृति सहित स्वाहा, तब एक सेकेंड में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकेंगे। समझा? ऐसे सदा समर्थ, सदा सर्व के परिवर्तन करने में सहयोगी, सेंस और इसेंस का बैलेंस रखने वाले, विश्व परिवर्तन की एक ही धुन में रहने वाले, बाप और सेवा और कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति में चलने वाले, ऐसे बाप समान महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हुबली पार्टी। सदा बाप और सेवा में मगन रहते हो। जो सदा बाप और सेवा में तत्पर रहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? सदा विघ्न विनाशक, कोई भी विघ्न उनकी लगन को मिटा नहीं सकते, कोई भी तूफान उस जागती ज्योति को बुझा नहीं सकते। ऐसी जागती ज्योति हो, अखंड ज्योति। भक्ति में भी आपके चित्रों के आगे अखंड ज्योति जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? चैतन्य स्वरूप में अखंड ज्योति स्वरूप रहे हो तब अखंड ज्योति का यादगार रहता है। ज्योति के आगे कोई आवरण तो नहीं आता, तूफान हिलाता तो नहीं है। अभी भी स्वरूप ज्योति, बाप भी ज्योति और घर भी ज्योति तत्व है। तो सिर्फ ज्योति शब्द भी याद रखो तो सारा ज्ञान आ जाता है। यही एक ज्योति शब्द की सौगात ले जाना तो सहज ही विघ्न विनाशक हो जाएंगे। अच्छा, हुबली निवासियों ने अपने घर घर में शिवालय बनाया है। पहले शिव के पुजारी रहे हो, अभी स्वयं शिववंशी बन गए, अधिकारी बन गए ना। अभी कुछ भी मांगने की चीज रही नहीं, सर्व खजाने स्वतः प्राप्त हो गए ना। अब अधिकारी बन करके अनेकों को अधिकारी बनाने वाले हो, मांगने वाले नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, यह सब पुकार समाप्त। सार, अभी अंत में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की एक ही रुत्ति की अंगुली चाहिए, एक ही संकल्प की अंगुली चाहिए, तब ही बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। जब संगठित रूप में पुराने संस्कार स्वभाव व पुरानी चलन के तिल वजो स्वाहा करेंगे तब यज्ञ की समाप्ति होगी। ओम शांति।